सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फिर एक ऐसे न्यू टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये टूल यार आप लोगों के गेमिंग परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। यार आप लोगों का ग्लोबल मूवमेंट स्पीड काफी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। यार आप लोगों का गेम जो है वो बिल्कुल फास्टली एंड स्मूथली चलेगा। बस यार आप लोग को इसको सिंपली जैसे जैसे मैं बताऊंगा उसको आप लोगों को इंस्टॉल करके अपने फोन में अप्लाई कर देना है। यार इसके बाद आप लोगों को आपके गेम में काफी हद तक चेंज देखने को मिलेगा कि यार आप लोगों का जो पहले गेम चल रहा था उससे बेटर आप लोगों को इस ऐप का यूज करने के बाद आप लोगों को देखने को मिलेगा। एंड गाइस, अगर आप लोग कस्टम या फिर सीएस रैंक में अगर आप लोग किसी भी एनिमी को हेडशॉट या फिर वन टैप मारने की कोशिश करते हो तो वहां पर आप लोग इस टूल का यूज करके आसानी से मार सकते हो। बस यार आप लोगों को एनिमी के ऊपर आसानी से ड्रैग करना पड़ेगा। जैसे एनिमी देखे उसके ऊपर अपना गेम का कर्सर रखो एंड देन आप लोगों को सीधा उसको ड्रैग कर देना है। आप लोगों को वहां पर वन टैप या फिर हेडशॉट देखने को मिलेगा। इसको डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को इस वाले टूल को ओपन कर लेना। ओपन करते ही आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। इस पर आप लोगों को कम से कम 3-4 बार क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके ऑप्शन आप लोगों का ये खुलेगा। इसको आप लोगों को 3-4 बार क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला ऑप्शन आएगा। तो जो पहला ऑप्शन था उस पर क्लिक करके अंदर आ जाना है। अंदर आते ही आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इस दोनों ऑप्शन को आप लोगों को इनेबल कर देना है। इनेबल करते ही कुछ और सेटिंग्स जो है वो आपके सामने आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आ गई। तो गाइस आप लोगों को ये सारी जो जनरल रेड डॉट 2x 4x AWM आपको जैसे आप लोगों अच्छा लगता है वैसा सेट कर लेना। मैं यहाँ पे जो मेरे को अच्छा लगता है मैंने सेट कर दिया है। तो गाइज आप लोगों को बिल्कुल ऐसे अपने फोन में सेट कर लेना है। एंड देन उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। नीचे एक आप लोगों को लाइन दिख रही होगी, इस लाइन को थोड़ा सा आगे यहाँ पे देख रहे हो आप लोगों को रैपिडो लिखा होगा, इसके तरफ कर देना है। इसके तरफ करते के बाद आपको नीचे एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले लैग वाले ऑप्शन को आप लोगों को इनेबल कर देना है। एंड नीचे से आप लोगों को 3 और ऑप्शन करने हैं जहाँ पे मैंने टिक लगाए, इन तीनों को आप लोगों को इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आप लोगों के मतलब ये सारी की सारी सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है और आप लोगों को कुछ नहीं करना। नीचे आप लोगों का एक बड़ा सा बटन दिख रहा होगा सही, जो जिसमें वो राइट क्लिक करने का ऑप्शन है, तो उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने FF नॉर्मल एंड मैक्स का ऑप्शन आएगा। तो गाइस जो आपके पास गेम है उसको अप्लाई करके खेलो। आप लोगों को आपके पहले वाले गेम प्ले से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस इस टूल को यूज़ करने के बाद देखने को मिलेगा।